हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनीमे के बारे में। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मूवी सुपर हीरो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली जिस चीज का वेट था गोहान फैंस को, वो चीज हो गई है। जिस चीज का वेट गोहान फैंस काफी ज्यादा टाइम से कर रहे थे, आई मीन ड्रैगन बॉल जी के बाद से कर रहे थे कि गोहान को हम लोग को रन में देखना है, वो वेट उनका खत्म होता है। बिकॉज इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है गोहान। और सच में काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से हम लोग को गोहान को दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर। गाइस, कभी ड्रैगन बॉल जी में हम लोग को गोहान का रन देखने के लिए मिलता था, ड्रैगन बॉल सुपर में जितना हम लोग को गोहान को दिखाया गया वो बिल्कुल ना के बराबर था। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी असली गोहान हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला, बस उसका जो फाइटिंग स्टाइल था मेरे को एवरेज लगा। उस ट्रू पोटेंशियल से गोहान ने कभी भी फाइट नहीं की जितना वो केपेबल वॉरियर। एंड गोहान फैंस को भी मानना पड़ेगा यार, ड्रैगन बॉल जी के बाद से अभी तक गोहान फैंस ने गोहान का फैंडम बना के रखा है और ये मजबूर कर दिया डायरेक्टर्स को कि वो गोहान को एक अच्छा रन दे। एंड गाइस, उनकी वजह से ही इस मूवी के अंदर गोहान को मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया जा रहा है, वरना अभी कोई और मेन कैरेक्टर हो सकता था, लाइक गोकू हो सकता था, वेजिटा हो सकता था, ब्रोली हो सकता था, लेकिन इस बार कैरेक्टर है गोहान। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे ट्रेलर के अकॉर्डिंग। एंड गाइस, मैं ट्रेलर दिखा नहीं सकता बिकॉज स्टोरी एनिमेशन, क्या पता इसी बात पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे। मैं तो काफी ज्यादा डरने लगा हूं अब जब से मेरे चैनल पे दो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए हैं। तो गाइस, बात करें कि क्या इस ट्रेलर से हम लोग को स्टोरी वगैरह के बारे में जानने के लिए मिलता है, प्लॉट वगैरह जानने के लिए मिलता है कि मूवी का क्या प्लॉट होने वाला है, क्या स्टोरी होने वाली है। गाइस, इसका आंसर है नहीं, हम लोग को प्लॉट या स्टोरी के बारे में नहीं बताया गया, केवल एक मिनट का ही ये ट्रेलर था। और इस ट्रेलर के अंदर हम लोग को बस इसी चीज के ऊपर फोकस कराया गया है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स कंफर्म आने वाले हैं मूवी के अंदर, बस इसी चीज के ऊपर हम लोग को फोकस कराया गया है, बाकी किसी और चीज के ऊपर हम लोग को फोकस नहीं कराया गया। एंड गाइस, एक मिनट के ट्रेलर से हम लोग ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते थे, बस हम लोग यही उम्मीद लगा सकते थे कि कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं इस ट्रेलर से, वो कंफर्म हो चुका है। सेकंडली गाइस, अगर बात करें एनिमेशन के बारे में, तो इस बार जो एनिमेशन होने वाली है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है। जितनी भी अभी तक हमने ड्रैगन बॉल की एनिमेशन देखी है, जो ड्रैगन बॉल में थी, ड्रैगन बॉल जी सुपर या सुपर मूवी ब्रोली में थी, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट ये एनिमेशन होने वाली है। गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि इस बार की जो एनिमेशन बनाई है ड्रैगन बॉल सुपर ने मूवी के लिए, वो जो है गेम्स की पर्सपेक्टिव की बनाई है। जो गेम्स होते हैं ड्रैगन बॉल के लिए, ड्रैगन बॉल शिन बुटोकाई या बुटोकाई टेनकाइची, उनके पर्सपेक्टिव की ये एनिमेशन होने वाली है। एंड गाइस, इस एनिमेशन को इसलिए लाया गया है बिकॉज जो बाहर के लोग होते हैं ना, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं, वो ड्रैगन बॉल देखने के साथ साथ उनके गेम्स खेलना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं और गेम्स की एनिमेशन उनको काफी ज्यादा पसंद आती है। तो गाइस, उन्हीं फैंस को ध्यान रखते हुए इस बार जो एनिमेशन होने वाली है इस मूवी की, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है। और वैसे भी जो ड्रैगन बॉल की एनिमेशन रही है वो हमेशा डिफरेंट ही रही है। मतलब गाइस, अगर कंपेयर करके देखें तो ड्रैगन बॉल में अलग एनिमेशन, ड्रैगन बॉल जी में थोड़ा और अलग एनिमेशन, सुपर में कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमेशन, ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली में थोड़ा जी वाले स्टाइल की एनिमेशन, और इस मूवी में भी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमेशन। एंड गाइस, एनिमेशन के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये जो एनिमेशन होने वाली है वो 2D और 3D के बीच की एनिमेशन होने वाली है। तो गाइस, इस बार एनिमेशन से हम लोग को कोई भी शिकायत नहीं होने वाली हर बार की तरह, और इस बार जब थिएटर्स में हम लोग को ये एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी ना, सच में ये बहुत ज्यादा औसम होने वाली है। तो गाइस, अभी बात करते हैं कि किस चीज के ऊपर हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस कराया जा रहा है। तो गाइस, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग को गोहान की तरफ कराया जा रहा है। और गाइस, मैं देखना चाहता हूँ कि गोहान की एक न्यू फॉर्म आए। मतलब गाइस, काफी टाइम हो गया गोहान की एक नई फॉर्म को देखे हुए। एंड गाइस, अगर इस मूवी के अंदर हम लोग को गोहान की एक नई फॉर्म देखने के लिए मिल जाती है, तो ये मूवी जो है सच में बहुत बहुत ज्यादा औसम होने वाली है। एंड गाइस, अगर बात करें कि किस एनिमी के ऊपर हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस कराया जा रहा है, तो गाइस वो है गामा। गामा के ऊपर हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस कराया जा रहा है। एंड गाइस, गामा जो है एक ही कैरेक्टर नहीं है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके सूट पर किसी पे लिखा था 1 रेड कलर में और किसी पे लिखा था 2 ब्लू कलर में। तो गाइस, ये जो गामा के कैरेक्टर होने वाले हैं वो एक से ज्यादा होने वाले हैं। देन गाइस, हम लोग को पिकलो को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है, काफी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है पिकलो को। तो गाइस, मूवी के अंदर भी हम लोग को पिकलो का काफी अच्छा स्क्रीन टाइम देखने के लिए मिलने वाला है। और पिकलो जो है अभी पेन को ट्रेन करने वाला है, तो ये भी हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है मूवी के अंदर। बाकी गाइस, गोकू का हम लोग को स्क्रीन टाइम देखने के लिए मिला। एंड गाइस, ब्रोली का स्क्रीन टाइम आई गेस इसलिए देखने के लिए नहीं मिला बिकॉज जो राइटर्स थे वो चाहते थे कि ब्रोली की जो आइडेंटिटी थी इस मूवी के अंदर वो सीक्रेट रहे, लेकिन वो जो है गलती से रिवील हो गई। एंड गाइस, अगर बात करें वेजिटा के स्क्रीन टाइम के बारे में, तो 1 सेकंड का स्क्रीन टाइम हम लोग को देखने के लिए मिला था वेजिटा का। बस एक पिक दिखा दी गई थी वेजिटा का और ये एश्योर करा दिया गया था वेजिटा फैंस को कि वेजिटा भी है इस मूवी के अंदर, डरने वाली बात नहीं है यार। मतलब पता नहीं इन लोग को वेजिटा से क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी उसका स्क्रीन टाइम हम लोग को नहीं दिखाया गया। उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो उन्होंने पेन को दे दिया, जबकि पेन का कोई भी इतना बड़ा आई गेस रोल नहीं होने वाला इस मूवी के अंदर। बाकी गाइस, देखते हैं एक्चुअल में वेजिटा का क्या रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर। मुझे अब तो बिल्कुल नहीं लगता कि वेजिटा का कोई मेजर रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर। आगे जितनी भी न्यूज आएगी मूवी से रिलेटेड, वो न्यूज हम सब कवर करके चलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।